हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं उनको हम देखेंगे। द हिंदू का कोर्स मैंने आज से स्टार्ट किया है, इसको हम संपूर्ण हिंदी में कवर करेंगे। साथ में इसकी जो पीडीएफ वगैरह है आपको उसको लेने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मुझे अन अकेडमी पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आप समझ सकें कि कौन से पेज पे कौन सी न्यूज़ है। तो आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 7-8 या जो भी, ये सारी के सारे मैंने बता रखा है। और इसका जो एक लिंक है वो मैं आपका हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 23 अगस्त है आज, उसके न्यूज़ को हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मामला है वो संबंधित है डॉक्टर्स से। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्य सरकारी और सार्वजनिक हितों में सरकारी डॉक्टरों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से रोक सकता है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, बात है जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो डॉक्टर्स का रिटायरमेंट था वो 64 ईयर कर दिया था और उसके बाद भी जो है इसकी बढ़ाने के प्रयास हुए। तो वहाँ पर ये स्टेट का काम है कि स्टेट चाहें तो अपने डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर लिमिट को वो बढ़ा सकता है क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आगे उन्होंने बोला कि सेवानिवृत्त होने का मौलिक अधिकार किसी ऐसे देश में जीवन को बचाने के अधिकार से ऊपर नहीं है जहाँ सरकारी अस्पताल सबसे गरीबों का इलाज करते हैं। मतलब जो लोग कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए जो है इतना नहीं सक्षम है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 80% जो लोग जो बीमार होते हैं तो कोशिश करते हैं, गरीब लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जाके सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराया जाए और इसीलिए डॉक्टर्स की कमी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में भी चले जाते हैं, लेकिन देखते हुए सारी समस्याओं को तो सेवानिवृत्ति की जो आयु है जाहिर सी बात है उसको राज्य जो है ज़्यादातर स्टेट जो हैं वो बढ़ा रहे हैं अभी। तो अनुच्छेद 47 के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य और पोषण उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकारों पर है कि वह स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए। आप जैसे DPSP में हमारे यहाँ देखेंगे तो वहाँ पर ये आर्टिकल जो 47 है वो इस बात का कहता है कि स्वास्थ्य पोषण को उपलब्ध कराने का कार्य किसका है, राज्य का है। ठीक है, तो इसलिए राज्य इस पे जो है अनुबंध बना सकते हैं। डॉक्टरों का एक नागरिक के रूप में अगर हम देखें तो मौलिक कर्तव्यों में आता है हमारे जो 51A में, जो हमारे अनुच्छेद 51A में दिए हैं मौलिक कर्तव्य, उसमें उसके तहत अपने साथी नागरिकों के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताए हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो हैं वो प्रोत्साहित करती हैं इसके लिए, वो हमारे चाहे मौलिक कर्तव्य हों चाहे हमारे DPSP के आर्टिकल 47 हो। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत पेशे का अभ्यास करने का अधिकार आम जनता के हित के अधीन है। ठीक है, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें भी। ठीक है, तो पेपर 2 जो हमारा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, जो हमारा UPPC पैटर्न चेंज हो गया है तो ये आर्टिकल जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं जो है हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज समूह के वैज्ञानिकों ने अभी एक शोध पत्र जारी हुआ है, उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि पृथ्वी ग्रह उच्च तापमान यानी कि इंग्लिश में अगर इसकी टर्म बोलें तो हॉट हाउस अर्थ के रूप में जो है परिवर्तित हो रहा है जहां से वापसी करना आसान नहीं है, इसको संतुलित किया जा सकता है। तो संतुलित करने की दो कंडीशंस यहां पर उन्होंने पहले के हिसाब से जो है चेक की हैं तो उसको देख लेते हैं। उनके अनुसार ग्रीनलैंड बर्फ के पिघलने से खुले पानी में वृद्धि होती है जो अधिक धूप की रोशनी को अवशोषित करती है। अब यहाँ परसेंटेज देखेंगे कि अगर खुला पानी है और बर्फ़ है तो वहाँ पर जो रोशनी का अवशोषण होगा वो खुले पानी के द्वारा ज़्यादा होगा, बर्फ़ के द्वारा ज़्यादा नहीं होता है। तो उनका यही कहना है कि धूप की जो रोशनी को पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और फिर जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या या वार्मिंग की जो समस्या है यानी कि पानी जो है वो पानी के गर्म होने में वृद्धि होगी और आगे पिघलने का कारण ये बनता है और ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पर ये बात देखने वाली, जैसे मैंने बताया कि पानी के और अर्थ के बारे में अगर मैं आपको डिफरेंस बता दूँ तो पानी जल्दी ना तो गर्म होता है और ना ही ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जो हमारा पृथ्वी का स्थल है जो स्थलखंड होता है वो जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है। दूसरी कंडीशन बताते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि रासायनिक अपघटन को बढ़ावा देती है यानी कि बढ़ाता है और भूगर्भीय समय पर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो हटा देता है जो कि हमारी पृथ्वी को गर्म करने को जो गर्म करके रखती है। ठीक है,
और ये एक जो है वो नकारात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो है वो एक तरह से बैलेंस बन रहा है। आगे वो कहते हैं कि जब सकारात्मक प्रतिक्रिया और नकारात्मक प्रक्रिया में संतुलन बना रहता है तो वायुमंडल में तापमान सामान्य रहता है, परंतु इसमें असंतुलन स्थापित होने पर वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनता है। देखिए, जो लोगों ने अभी बुक्स में पढ़ रखा होगा तो उनको कुछ थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, तो ये मेरा शोध पत्र नहीं है, ये जो है साइंटिस्ट के द्वारा जारी किया गया है, तो उसको मैं बता रहा हूँ जो कि पेपर में आ जाया है। वर्तमान में CO2 अब जो है 400 PPM से अधिक के वायुमंडलीय सांद्रता वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जो पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ही मात्रा मध्य प्लियोसीन युग में था, जो आज से करीब 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व आया था। तब समुद्र का जो स्तर था वर्तमान के स्तर से 10 से 22 मीटर ऊंचा था। अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसा लगेगा कि भाई पानी तो पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो अब पानी अगर बढ़ रहा है तो क्या समस्या है? तो देखिए, अब क्या है, अब नगरद्वीप नहीं है ना इस तरह से, पहले नहीं थे, अब हैं, तो अब वो डूब जाएंगे। पहले तो नगरद्वीप नहीं थे, तब उनकी डूबने की ऐसी समस्या नहीं थी, जबकि पानी का स्तर पहले से कम है, पहले ये उच्च था, अब ये अब लगातार ये बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ पर लोग पहले नहीं बसे हुए थे वहाँ बढ़ा हुआ था पानी, कोई इशू नहीं था, लेकिन दोबारा से अब जब बढ़ रहा है लोग वहाँ बसे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो आइलैंड्स होंगे वो डूब जाएंगे, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है पंजाब सरकार से संबंधित। उसमें क्या है, पंजाब कैबिनेट ने फैसला किया है कि सिखों के पवित्र जो ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने या उनके शब्दों का गलत प्रयोग करने को दंडनीय अपराध जो है माना जाएगा, उसके लिए आजीवन कारावास की मांग की गई। अब इसमें सभी बड़े धर्मों के पवित्र जो ग्रंथ हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है, जिसके लिए IPC और CRPC में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। भारत के अपने निंदा कानून धारा 295A के बाद भारतीय दंड संहिता में एक नया खंड पेश करेगा, जो धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को अपराधी बनाता है। जैसा कि इस तरह के अपराधों के तहत किसी पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC में परिणामी संशोधन की आवश्यकता होगी। 1957 में धारा 295A की संवैधानिक वैधता को कायम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे को दंडित करने का प्रस्ताव करती है, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है वो केंद्र सरकार इसको करने वाली है। यहाँ पर अगला जो है वो आज के समय में आप देखेंगे, जैसे बीच में पॉलिटिकल कुछ मुद्दे हो जाते हैं उसमें बात बात पे बोल दिया जाता है कि जो है जो मतलब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा आपकी जो राय है वो किसी से सहमत नहीं है तो बोल दिया जाता है अमूमन कि आपको पाकिस्तान चले जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो एडिटर हैं उन्होंने एक जो है आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है कि मुस्लिम्स की जो है लॉयल्टी है वो बार बार चेक की जाती है, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो आप आंसर राइट में अपने डाल सकते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं कि हम अपनी देश की अखंडता को कैसे बनाए रखें, ठीक है, एकता अखंडता को कैसे बनाए रखें। तो मुस्लिमों की देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने के 3 प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें पहला है डोगरा रेजिमेंट का ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो 35 वर्ष की उम्र में 1947-48 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में सबसे ज़्यादा रैंक के जो अधिकारी थे जिनकी जो शहीद हुए थे, ठीक है, बहादुरी के लिए। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है हमारे यहाँ महावीर चक्र से उनको मरणोपरांत जो है उनको सम्मानित किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेनेडियर जो हैं हमारे रेजिमेंट के हवलदार अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद की न्यूज़ जो कई बार जो है आपने किताबों में पढ़ा होगा, तो अकेले हाथ से अपनी रिकॉर्सेस बंदूक के साथ उन्होंने खेमकरण की लड़ाई में 6 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए फ़ायदेमंद हुआ और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सबसे निर्णायक मुठभेड़ जो है इसको माना जाता है। उनको मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल है राजपूताना राइफल्स के कप्तान हनीफुद्दीन, जो 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान
18,500 फीट की ऊंचाई पर एक इकाई का नेतृत्व करते हुए एक रणनीतिक स्थिति से दुश्मन को बेदखल करने की कोशिश करते हुए जो है शहीद हो गए थे और भारत के तीसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से जो है उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके। उसके बाद में अगला संबंधित है हमारा जो 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ है उसमें कुछ चेंजेस हैं उनको लेके जो है साउथ के स्टेट्स जो हैं हमारे यहाँ वो बार बार मांग करते रहते हैं, तो उसके ऊपर एक मीटिंग हुई और उन्होंने इस चीज़ पे प्रकाश डाला है। तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने बदले आर्थिक परिवेश पर प्रकाश डाला और अगस्त 2014 में योजना एक के विघटन जिसने संसाधन आवंटन की पारंपरिक प्रणाली को बदल दिया और योजना और गैर योजना निधि के बीच के भेद है उसको जो है वो कम कर दिया। 15वें वित्त आयोग ने अर्बन लोकल बॉडीज के लिए धन आवंटन और संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित ढंग से शहरीकरण को प्रोत्साहित करने के महत्व पर बल दिया है। आप जब देखेंगे पहले क्या होता था, पहले स्टेट वाइज चलता था, ठीक है, स्टेट पे फोकस था, लेकिन इस बार उनका जो फोकस है वो किस पे है, शहरीकरण पे फोकस किया गया है। दक्षता के साथ में इक्विटी को संतुलित करने की आवश्यकता, ये आवश्यक है कि राज्यों की कराधान क्षमता और धन आवंटन पर किसी भी सूत्र को इक्विटी न्याय और एकरूपता द्वारा गठित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो मांग हो रही थी कि भाई हमने सारी चीज़ों में सुधार किया है, ठीक है, तो जो हमारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं वो सुधार ना तो एजुकेशन में करते हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाकी चीज़ों में भी वो पिछड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज बनेगा वो ज़्यादा बनेगा कराधान का। तो इस तरह से जो मुद्दे थे तो उन्होंने बताया कि किसी राज्य की दक्षता, ये सारी चीज़ों को जो है चेक किया जाएगा, ठीक है, पैसे का जो धन आवंटन जब होगा तो इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है, जज किया जाएगा इसके आधार पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद में ये सहमति है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संसाधन आवंटन में तालमेल सुनिश्चित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कई बार जो है केंद्र सरकार पे इस चीज़ के आरोप लगते हैं कि जो योजनाएं हैं उनका ऐसी जगह यूज़, दूसरी जगह जो है राजनीतिक भेदभाव किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखा जाएगा। साथ में स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए आवंटन हेतु एक यथार्थवादी दृष्टिकोण तैयार करना जो लाभार्थियों को इच्छित संसाधनों की डिलीवरी सुनिश्चित कर सके, मतलब पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा कि जो पैसा दिया जा रहा है वो सही जगह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, और जो स्टेट मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके जो उनके लिए उनके साथ भेदभाव ना हो, धन आवंटन में उनको ऐसा महसूस ना हो कि हमने अच्छा भी किया लेकिन उसके बाद भी हमें जो है पैसा दूसरों के मुकाबले कम दिया गया, तो मतलब हमारे परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा ना हुआ, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें उनको ना फेस करने, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। अगला जो मुद्दा है, अभी हमारे यहाँ केरल में बाढ़ आई हुई है, बहुत बड़ी त्रासदी है, और उसमें जो है प्रयास किया जा रहा है दूसरे देशों के द्वारा कि भारत को आर्थिक मदद दी जाए। तो हमारे यहाँ UAE द्वारा जो है 700 करोड़ की आर्थिक सहायता केरल सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 के तहत केंद्र सरकार ने स्वीकार करने की अपील जो है केरल सरकार के द्वारा की गई है। UAE सरकार ने बोला है कि हम 700 करोड़ रुपए जो है केरल में सहायता के लिए देना चाहते हैं, और केरल जो सरकार है उसने हवाला दिया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 का, कि उसमें कहा गया है कि भारत सरकार दूसरे देश से इस तरह की सहायता ले सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 में के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत प्रावधान है कि भारत सरकार जो है गृह मंत्रालय द्वारा किसी विदेशी स्वैच्छिक सहायता को आपदा के समय स्वीकार करने के लिए विदेश मंत्रालय से विचार विमर्श किया जाएगा, तत्पश्चात जो है संबंधित राज्य को भी उसका भागीदार जो है वो बना दिया जाएगा और वो पैसा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला फंस गया, कैसे फंसा ये अगले वाले हम देखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, सारा मामला आ गया विदेश मंत्रालय पे, ठीक है, और हमारे गृह मंत्रालय पे। भारत सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि वह किसी भी अन्य राष्ट्र द्वारा सहायता स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि वह प्रधानमंत्री राहत निधि और मुख्यमंत्री राहत निधि में जो NRI और POIO और साथ में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जा रही सहायता को स्वीकार करेगी, किसी देश के द्वारा दी जा रही सहायता को स्वीकार भारत सरकार नहीं करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि हम इस आपदा से निपटने में सक्षम हैं, हमें किसी की जो है हमें किसी इस तरह के धन की हमें आवश्यकता नहीं है और हमारे पास सफिशेंट पैसा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम ले लेंगे। ये भारत के 15 वर्ष पुराने कन्वेंशन के तहत है जिसमें किसी भी विदेशी सहायता को स्वीकार नहीं किया जाता, जैसा 2001 में जब हमारे गुजरात में भूकंप आया था
और भूकंप की आपदा आई थी, और साथ में 2004 में जो सुनामी, मतलब दो हमारे यहाँ बड़ी आपदाएं इससे पहले आईं, जिसमें हमारे यहाँ 2004 की सुनामी और गुजरात के जो भूकंप के मामला आया था, ये दो आपदा ऐसी थी उसमें भी भारत ने किसी देश से सहायता नहीं ली और खुद ही जो है उसे निपटने में सक्षम भी रहा। तो यही कहकर जो है वहाँ पर केंद्र सरकार की जो मांग है उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद में अभी दो मामले अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर बिहार का और उत्तर प्रदेश के देवरिया के दो मामले, संगीन मामले सामने आए हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जहां टिप्पणी की गई है, तो 2016-17 के सर्वेक्षण में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बताया गया कि 4,73,000 बच्चे देश भर में देखभाल जो आवास है हमारे यहाँ बने हुए वहाँ पर जो है वो रहते हैं, जबकि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2018 में एक रिपोर्ट दी गई और उसमें बताया गया कि देखभाल आवास जो हैं वहाँ पर सिर्फ 2,61,000 बच्चे रहते हैं। मतलब ये डिजिट जो है 4,73,000 और यहाँ पर ये डिजिट दिया हुआ है कि 2,61,000, मतलब सीधा सीधा 2,00,000 बच्चे जो हैं यहाँ पर मिस हैं, 2,00,000 बच्चों का अंतराल आ गया दोनों रिपोर्ट्स में। तो याचिका में बताया गया कि देश भर में 9,589 बाल देखभाल संस्थानों में से करीब 1,596 जो है अति संवेदनशील थे, और इसमें 97 जिले ऐसे थे वहाँ पर बाल देखभाल घर की अनुपस्थिति थी, मतलब थे ही नहीं वहाँ पे। इन बाल देखभाल घरों में बच्चों को शारीरिक दंड एवं अन्य दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि कानून का पालन किया जाता तो मुजफ्फरपुर और साथ में देवरिया जैसी घटनाएं को जो है रोका जा सकता था, ये घटनाएं नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बाल देखभाल घरों के कामकाज की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निरीक्षण समितियों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। अगली जो न्यूज़ है वो इसरो से संबंधित है। इसरो द्वारा हाल के वर्षों में स्थानीय रूप से बड़ी मात्रा में असाधारण धातुओं का निर्माण किया, और इस कारण से इसरो ने इसके आयात में, मतलब जो उपकरण हमें बाहर से लेने पड़ते थे महंगे भी पड़ते थे, उनका निर्माण स्वयं करना शुरू कर दिया है, और 32% से घटकर ये सिर्फ 8% रह गया। मतलब 8% जो उपकरण है उसका आयात जो है वो इसरो के द्वारा किया जाता है, और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आगे हम देखते हैं। इसरो द्वारा भविष्य के उच्च प्रोफाइल राष्ट्रीय मिशन जैसे मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, पुनः प्रयोग जो RLV प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है, ग्रुप कैप्सूल में प्रवेश, स्क्रैमजेट मिशन, दूरस्थ सिंगल स्टेज लॉन्चर के लिए आवश्यक और स्वदेशी असाधारण गुण वाले धातुओं की आवश्यकता है, जैसे एल्युमिनियम और बेरिलियम मिश्र धातु और कार्बन नैनोट्यूब। स्थानीय रूप से तैयार मटेरियल आयात के भार को कम करेंगे, और मिशन के मूल्य की जो हमारे यहाँ जो लागत जो आ रही होगी मिशन में वो घटकर कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो ऑलरेडी हम दुनिया में अच्छा खासा कम पैसे में मिशन जो है हमारे यहाँ से सेटेलाइट जो है छोड़ दिए जाते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी तो जो है वो और सस्ता भी हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ओपन डिफेक्शन फ्री से। यहाँ पर नए मापदंडों के तहत ODF+ की घोषणा की गई है, जिसमें शहरों और कस्बों को ना केवल खुले में शौच से मुक्त बनाया जाएगा बल्कि सार्वजनिक पेशाब करने से भी मुक्त बनाना है। ठीक है, इसमें भी इसको ऐड कर दिया गया है, तो ये पहली बार है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आधिकारिक तौर पर अपने एजेंडे में सार्वजनिक पेशाब को ख़त्म करने को शामिल किया गया है। ODF+ और ODF++ प्रोटोकॉल जो पिछले हफ्ते आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे, इसमें जो है SBMU के लिए अगला कदम है, और स्वच्छता परिणामों में स्थायित्व जो है सुनिश्चित करना है। मार्च 2016 में मूल ODF प्रोटोकॉल को जारी किया गया था। ODF++ प्रोटोकॉल में प्रावधान है कि फीकल स्लज और सीवेज का सुरक्षित रूप से प्रबंधन और निस्तारण किया जाएगा, बिना निस्तारण के उसे नाली, जल निकाय और खुले क्षेत्रों में नहीं डाला जाएगा। अब देखिए, पहले तो बात हुई थी हमारे यहाँ ODF की, ठीक है, यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाए, ठीक है, खुले में शौच से बंद किया जाए, उसके बाद में जो है शहरों में जो है टॉयलेट के ऊपर भी आ गया कि भाई खुले में आप पेशाब वगैरह नहीं करेंगे। अब ये आ रहा है कि इन दोनों चीज़ों के बाद में अब जो हमारे यहाँ जो और फिकल स्लज और सीवेज है उसको कहीं गंदे नाले वगैरह में ना डाला जाए, उसका एक सही तरह से निस्तारण किया जाए।
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ स्वच्छता का एक एग्जांपल लेके मैं दूँ, तो जैसे मान लीजिए किसी घर से अगर कूड़ा निकलता है और कूड़ा निकलने के बाद अगर कूड़ा वाला ले जाए या आप कहीं बाहर के एक रोड पे कहीं डस्टबिन में डाल दें, इसका मतलब स्वच्छता नहीं होती, क्योंकि ये तो कूड़ा जो है एक जगह से दूसरे जगह चला गया, ये यहाँ पर इस तरह इसका स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है, ये अभी भी गंदा ही माना जाएगा इसको, बस कूड़ा आपके घर में नहीं है कहीं रोड पर है। अब इस कूड़े का निस्तारण इस तरह से किया जाए उसकी किसी से भी उसको दिक्कत ना हो, या बाहर जाके इसका इस तरह से पूरी तरह से जो है इसका प्रबंधन किया जाए, तब जो है यहाँ पर स्वच्छता को कंप्लीट माना जाता है। तो सेम यहाँ पर यही बात की गई है कि लोगों को जागरूक कर देना, खुले में शौच ना करना या खुले में टॉयलेट ना करना, सिर्फ यही लोगों को बता दिया जाए और लोग यही करने लगे, और उसके बाद में उसी चीज़ को जो है आप किसी नाले वगैरह में या पानी वगैरह में कहीं भी आप जो है उसको डाल दें, तो वो गंदगी तो वहाँ पर रही, तो मतलब उसमें कुछ स्थान निस्तारण हुआ। तो हमारे यहाँ जो ODF प्लस प्लस जो आया है वो इसीलिए आया है कि उसका निस्तारण भी सही से होना चाहिए, जो कि बहुत एक अच्छी है, एक मतलब एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि जो स्वच्छता वाले में जो रूल लागू होता है वो इसमें भी लागू कर दिया। उसके बाद में द फील्ड मेडल, जिसको नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, मैथमेटिशियन जो होते हैं उनके लिए एक अवार्ड होता है, और 40 साल से कम उम्र के 2 या 4 मतलब जितने भी लोग हों उनको जो है 4 साल में एक बार सम्मानित किया जाता है। इससे अपने लंबे इतिहास में पहली बार 2014 में किसी महिला ने ये जो है अवार्ड जीता, और ईरान की महिला थी, इनका नाम था मरियम मिर्ज़ा खानी, ठीक है, मरियम मिर्ज़ा खानी नाम था, ये पहली महिला थी 2014 में जिन्होंने द फील्ड मेडल को जीता था। अभी तक किसी भी भारतीय को ये पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि 2014 में पहली बार भारतीय मूल के कनाडाई अमेरिकी भारतीय गणितज्ञ जो है मंजुला भार्गव को सम्मानित किया जाता था किया गया है, लेकिन ये इंडियन नहीं थी, ठीक है। 2018 के लिए हाल ही में घोषित विजेताओं के नाम में से ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ अक्षय कुमार वेंकटेश का जो है नाम आया है, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन इंडियन ये नहीं है, नागरिकता भी इनके पास में इंडियन नागरिकता जो है वो नहीं है। अगला है न्यूज़ जो है हमारा NGT संबंधित है। NGT ने एक याचिका शिकायत की सुनवाई के समय निर्णय दिया है कि अपशिष्ट अन्य ठोस अपशिष्ट पुनर्नवीकरण संग्रहण नष्ट करना जलाना बिक्री करना अनधिकृत लोगों द्वारा सड़कों के किनारे और नदी के किनारे ये प्रक्रिया की जा रही है, जो कि ई अपशिष्ट नियम 2016 और पर्यावरण अधिनियम 1986 का उल्लंघन है। पर्यावरण और वन मंत्रालय को NGT ने निर्देशित किया कि उसे 3 महीने के अंदर अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश जारी करना होगा। याचिका में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट के 40% लेड और 70% भारी धातुओं के मात्रा लैंडफिल मतलब गड्ढे वगैरह में ये जो लोग जो हैं वो डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इसके लिए एक जो है प्रबंधन करने के दिशा निर्देश जो है वो NGT ने दिए हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है हमारे बैंकर से संबंधित। तो बैंकरों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि अगर वे किसी खाते में धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं जिसके बाद में जांच एजेंसियों द्वारा जो है वो पता लगता है। मतलब अगर जैसे अभी हमारे यहाँ नीरव मोदी का जो केस हुआ था, तो यहाँ पर बैंकर्स पूरी तरह से जो है उनके द्वारा ही सारा जो षड्यंत्र रचा गया था कि हम पे तो कुछ होने वाला है नहीं, हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा या हम रिटायर हो जाएंगे, बाकी चीज़ें जो है बाद के हिसाब से बैंक इस चीज़ को झेलेगा। तो यहाँ पर जो अब भारतीय दंड संहिता 120B के तहत बताया गया है कि अगर आपके समय में ये सब होता है और आपने अगर इसकी रिपोर्ट नहीं की, उसके बाद अगर जांच एजेंसियों ने पाया कि यहाँ पर गलती हुई है, अनियमितता पाई गई है, तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस उन कंपनियों के खातों की भी देख रहा है जो वर्तमान में ऋण संकल्प से गुजर रहे हैं। धन धोखाधड़ी के आरोप में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा भूषण स्टील के पूर्व जो प्रमोटर थे नीरज सिंगल की गिरफ्तारी की गई। अगस्त 2017 में SFIO को कंपनी कानून उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति जो वो है वो अगस्त 2017 से दे दी गई है। SFIO एक बहुआयामी संगठन है जिसमें कंपनी कानून के तहत सफ़ेद कॉलर अपराधों और धोखाधड़ी के अभियोजन के पक्ष के जो है विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। अगली न्यूज़ है यहाँ पर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के MSME के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए BSC
और NSE के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि पूंजी बाजार को वैकल्पिक वित्त पोषण स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सके। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2016-17 में 52.7 लाख माइक्रो छोटे और मध्यम उद्योगों की संख्या है जो देश में सबसे ज़्यादा है। ये इम्पोर्टेंट है। 100 SMEs को सूचीबद्ध किया जाएगा। फिलहाल केवल 18 MSME जो हैं वो सूचीबद्ध हैं। BSE ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में बौद्धिक और जनशक्ति कार्य समर्थन जो है वो प्रदान करेगा। अगली जो न्यूज़ है वो है केंद्र सरकार ने जैव ईंधन के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। आयात नीति में संशोधन के माध्यम से कच्चे तेल के अलावा विटुमिनस खनिजों से प्राप्त पेट्रोलियम तेल और तेल सहित एथिल एल्कोहल और अन्य विकृत स्प्रिट बायोडीजल आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन वस्तुओं का आयात जो पहले मुक्त था अब वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर केवल गैर ईंधन उद्देश्य के लिए अनुमति जो है वो दी जाएगी। ठीक है, वैसे ही जो है यहाँ पर हमारे यहाँ जो है इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ये सारे काम जो है किया गया है। तो दोस्तों आज के न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।